सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आपके खातों में 1000 रुपया लगा है। ये पैसा कौन से मद का है ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन कहना चाहेंगे ये ना तो आपका PLI का पैसा है और ना ही आपका मानदेय का पैसा है। क्योंकि ये पैसा जो पर्पस में जो इसमें लिख के आया है उसमें लिखा है अदर एक्सपेंडिचर, यानी ये अन्य किसी तरह के खर्चे के लिए ये पैसे हैं। अदर एक्सपेंडिचर 42 मद में ये पैसा खाते में लगा है। चूंकि ये पैसा यहां पर इन बहन का दिख रहा है सक्सेस लिखा हुआ, पर हमारी अभी और बहनें हैं जिनके खाते में ये पेंडिंग में ही लगा है। तो ऐसे में देखिएगा, बैंक ट्रांजेक्शन की अगर आप डेट देखें तो वो भी अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि जब पैसा सक्सेस होता है तो यहाँ पर सही सही डेट लिखती है, और जब पैसा पेंडिंग में लगा रहता है या प्रोसेसिंग में कह लीजिएगा लगा रहता है तो इस तरह से डेट वहाँ पर शो करती है, और सक्सेस होने के बाद सक्सेस होने वाली डेट शो होती है। 1000 रुपये हैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, तो ये पैसे लगे हैं। किस मद के हैं अगर कहीं किसी भी जिले में विभाग की तरफ से सूचना दी गई हो तो आप बता सकती हैं। आशा बहन है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से आती हैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। ऊपर लिखा है निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये पैसा लगाया गया है। लगने की डेट में ऊपर ऐसे ही आपका लिखा हुआ दिख जाएगा, ट्रांजेक्शन की डेट अभी कोई है नहीं, और अभी और दिखाएंगे स्क्रीनशॉट जिनसे आपको और थोड़ा क्लियर होगा। तो आशा बहन का ये जो मैसेज रहा, उन्होंने लिखा कि 1000 रुपया प्रोसेसिंग में भैया जी लगे हैं पोषण अभियान के, उन्होंने कहा है कि हैं। अब हो सकता है ये पोषण अभियान के ना हो। अब चूंकि आगे ले चलते हैं, कमलेश जी हैं बदायूं जनपद से आती हैं, और उन्होंने बदायूं जनपद से भी ऐसे ही जानकारी एक भेजी है। उन्होंने भी कहा है कमलेश कुमारी आंगनबाड़ी केंद्र इनका सिरसा पड़ता है बदायूं जनपद में। उन्होंने कहा ये कैसा रुपया लगा है इनको पता नहीं है, इन्होंने चेक करके ऑल इंडिया को मैसेज भेज दिया है, और उन्होंने कल 19 तारीख को ये चेक किया था, तब आप देख सकते हैं पेंडिंग में स्टेटस में ये पैसा दिख रहा है, अमाउंट 1000 रुपये है। और बात करें ट्रांजेक्शन डेट की तो 1/1/1900 यहाँ पर शो हो रहा, जो कि अभी गलत है। बैंक ट्रांजेक्शन की डेट जो दिख रही है वो 18 सितंबर दिख रही है, बाकी अभी पैसा ये बैंक में क्रेडिट हुआ नहीं है। क्रेडिट डेट इसमें जब क्रेडिट हो जाएगा बैंक में आ जाएगा तो यहाँ पर सही डेट आ जाएगी। तो अभी पेंडिंग में ही चूकी है, स्टेटस में भी दिख रहा है। इन्होंने अपना PFMS के जरिए से चेक किया है तो यहाँ पर इस तरह से इनका दिख गया। अब उम्मीद है ये पैसा आपका निदेशालय से लगा है, अब स्कीम नेम भी इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। वाकई में जो हमारी उन बहन ने कहा था कि पोषण अभियान का पैसा है, तो बिल्कुल ये जो 1000 रुपया लगा है वो पोषण अभियान के तहत लगा है। अब पोषण अभियान के तहत किस चीज का लगा है ये पर्टिकुलर इसमें पर्पस में डाला जो है दिखाई नहीं दे रहा। एजेंसी नेम में तो आपको पता है निदेशालय से पैसा आया है, बाकी ये सक्सेस हो जाए तो चीजें कुछ और हो। तो 1000 रुपया पोषण अभियान के खाते में बहनों विभाग की तरफ से लगाए गए हैं प्रोसेसिंग में, हो सकता है कुछ जनपदों में ना भी लगे हों, तो आप अपना अपना चेक कर लेना, जैसी भी स्थितियां हो फिर अवगत करा देना। इधर कैसर जहां बहन है उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से आती हैं। अब देखिए पोषण ट्रैकर को लेकर के काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब इस पोषण ट्रैकर को लेकर के हमारी बहनों ने तरह तरह से जानकारियों को भेजा है, जिनमें कुछ समस्याएं भी उनके सामने देखने को मिली। पहले हम बता देते हैं नया वर्जन जो पोषण ट्रैकर का आया है उसमें क्या क्या चीजें कुछ नई देखने को मिलेंगी। एक तो लिखा है न्यू ऑथेंटिकेशन या लॉगिन मॉड्यूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, बेनिफिशरी लॉगिन और इंटरफेस इज अवेलेबल नाउ फ्रॉम PT ऐप, यानी पोषण ट्रैकर ऐप आप कह लीजिए। फेस कैप्चर प्रोसेस हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मोर हेल्प आर इंट्रोड्यूस्ड। चौथा जो है वो माइनर बग फिक्स का है। तो ये चीजें हैं। अब विभाग या कह लो पोषण ट्रैकर टीम की तरफ से माइनर बिग फिक्स लिख तो दिया जाता है, लेकिन नए नए जब भी कोई भी अपडेट आते हैं तो कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इस बार के अपडेट में बहनों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप थोड़ा समझें जो मैं समझाने का प्रयास करूं।
जैसे कि यहां पर पोषण ट्रैकर को जब आप अपडेट कर लेंगे तो इस तरह से दिखेगा, पहले की तरह नहीं दिखेगा। इसमें क्या है, यहां पर लिखा है टू कंटिन्यू सेलेक्ट यूजर टाइप फ्रॉम बिलो ऑप्शन, यानी दो तरह से ऑप्शन आपको नीचे मिलते हैं अपना कैटेगरी कह लो या टाइप कह लो चुनने का, पोषण ट्रैकर को चलाने के लिए। आंगनबाड़ी वर्कर के लिए भी है, बेनिफिशरी वगैरह के लिए या सिटीजन के लिए आप कह लिए उनके लिए भी है, यानी कोई भी जो है आपका लाभार्थी वो भी इन चीजों को चला सकता है, तो वो भी पोषण ट्रैकर का यूज करेगा और आंगनबाड़ी भी करेंगी। आंगनबाड़ी जो करेंगी वो उनके हिसाब से उनकी चीजें और उस तरह के ऑप्शन खुलेंगे, लाभार्थी के लिए लाभार्थी के हिसाब के ऑप्शन खुलेंगे, ठीक। तो ये चीजें अलग अलग हैं, ध्यान देना। अब इस चीज को लेकर के हमारी बहनें परेशान हैं और कुछ जानकारियां भी इसके साथ में साझा हो रही हैं। आइए देखते हैं क्या बातें कही जा रही, इस समस्या का समाधान भी हम लोग क्या करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे। भैया जी गुड मॉर्निंग, भैया जी हमारी बहनों के लिए विशेष जानकारी, पोषण ट्रैकर का नया अपडेट 21.5 ये आ गया है, अब लाभार्थी भी पोषण ट्रैकर लॉग इन कर सकता है। अभी यह अपडेट केवल विभागीय मोबाइल में मौजूद है, अगर बहनें पोषण ट्रैकर लॉग इन नहीं कर पा रही हैं ऐसी स्थिति में फॉरगेट एमपिन करके पिछला एमपिन या अन्य एमपिन सबमिट करने के बाद लॉग इन कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, बहन ने जैसे कि लिखा कि अभी विभागीय फोन में ही ये अपडेट मौजूद है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी फोन में आप अपडेट कर लो तो आपका अपडेट हो जाएगा, नया आ जाएगा। मैंने खुद के फोन में भी करके देख लिया है, अपडेट हो चुका है, क्योंकि ये चीजें हो चुकी, मैंने अभी अभी किया है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। तो आप सब बहने क्या करें कि सब में हो जाएगा। दूसरी बात, पोस्टर ट्रैकर को लेकिन इसको लॉग इन करने में दिक्कत आ रही, बहने लॉग इन कर रही हैं तो कई दिक्कतें आ रही हैं, तो अभी वो दिखाएंगे। इसमें बताया जा रहा है ऐसी स्थिति में फॉरगेट एमपिन करके पिछला एमपिन या अन्य एमपिन सबमिट करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, यानी जैसे अभी दिखाएंगे कहां से क्या होगा। ये वाला तो पेज आपने देख लिया, आंगनबाड़ी वर्कर बेनिफिशियरी सिटीजन, यहां तक अगर आप अपडेट करने के बाद पहुंच रहे हैं तो आपको ये आंगनबाड़ी वर्कर वाला सेलेक्ट करना है, यानी इस पर टच करना है, ठीक। उसके बाद में चीजें कैसे खुलेंगी, कुछ इस तरह से आपका खुल जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा लॉगिन करने के लिए, ये विभागीय लोगों के लिए एक तरह से कह लो। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर बीच में बनी दिखाई देंगी, ऊपर जो है गर्भवती महिलाएं, इधर जो है धात्री माताएं, इधर जो हो गई आपकी किशोरी, इधर हो गए बच्चे 0 से 6 वर्ष के, यहां पर डीपीओ, यहां पर सुपरवाइजर, यहां पर सीडीपीओ, ऐसे लिखा हुआ कुल मिलाकर के मिलेगा। बाकी इन पर टच करने से कुछ होगा नहीं। लॉगिन कैसे होगा वो समझ लो, लॉगिन करने के लिए अगर आप सिंपली यहां पर लॉगिन बटन पर टच करके आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, आपके सामने कई तरह की समस्याएं आएंगी। शायद इसमें स्क्रीनशॉट में लेना भूल गया हूं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, लॉगिन जब आप करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, गलत पासवर्ड या गलत आईडी ऐसा कुछ आपको शो करेगा, रेड कलर का इशू टाइप से, एरर टाइप से आपको दिखने लग जाएगा। तो आप क्या करें, लॉगिन से अगर नहीं हो रहा डायरेक्ट तो नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, क्या लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन के नीचे छोटा सा दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड, आपको इस फॉरगेट पासवर्ड पर टच करना है। जब आप इस पर टच कर लेंगे तो फिर आपका ऑप्शन खुल जाएगा पासवर्ड को फॉरगेट करने का, फिर वहां पर आपका अपना मोबाइल नंबर आंगनबाड़ी बहनों डालना पोषण ट्रैकर का, उसके बाद में जो आपका फिर केंद्र वाला वो खुल जाएगा, फिर उसके बाद में अपना नया जो है एमपिन जो पहले आपका था या पासवर्ड जिसको कह लो या अपना पुराना जो था वो आप डालना और कंफर्म कर लेना, यानी नया एक तरह से एमपिन आपने बना लिया, फिर चीजें आपकी लॉगिन हो जाएंगी। ध्यान रहे इन चीजों में भी एक तरह की दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है, वो मैंने फेस की है। जैसे किसी भी कार्यकर्ता का अगर नाम एक ही जो है यहां पर आप कह लीजिएगा उसका है, यानी फर्स्ट नेम ही केवल उनका है, लास्ट नेम वगैरह नहीं है, क्योंकि इसमें दो देते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पूरा खुल जाएगा जब आप सब कुछ लॉग इन करेंगी कार्यकर्ता तो उसमें सब खुल जाएगा, फिर वहां पर आपको आ जाएंगी बहनों क्या दिक्कतें। अब वो दिक्कतें कैसी हैं वो तो हम आपको अभी बताएंगे, जरा उन पर भी आप लोग क्या करना फोकस करना। दिक्कतों में जैसे कि क्या रहेगा, उसमें
जिन कार्यकर्ता का नाम, मान लो किसी का नाम केवल राखी है, सुमन है, पुष्पा है, यानी उनके बाद में देवी, पटेल, चौधरी, यानी कुछ भी वो नहीं लगाती एक्स वाई जेड, शर्मा, कुछ भी नहीं लगाती, केवल एक ही शब्द का नाम आप कह लो, तो वो लास्ट वाले नाम में अपना क्या भरे बेचारी? तो इस वजह से वो ऑप्शन खाली रह जाएगा, और खाली होने की वजह से वो चीजें फिर सबमिट नहीं होती, फिर आपका पोस्टर ट्रैकर पूरा खुलता नहीं है, ये समस्या आ रही है। अब ये समस्या दिखाई इसलिए गई है ताकि पोस्टर ट्रैकर टीम इस पर थोड़ा ध्यान दे। सिंगल भी नाम लोगों के होते हैं, जो देवी और यहां पर कुमारी या जो भी है वो नहीं लगाते हैं, यादव, शर्मा, पटेल, ये कुछ भी नहीं लगाते, वो लोग क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए काफी दिक्कतें हैं, लास्ट नेम वो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि उनका है नहीं, तो ऐसे में वो लोग क्या करें? पोस्टर टीम को ध्यान देना चाहिए, लास्ट नेम का ऑप्शन हटाना चाहिए, एक ही में पूरा नाम भरा जाए तो ठीक है, या फिर लास्ट नेम वाला जो आपने रखा है उसको आप वैसे कर दें स्टार बना करके, यानी वो कंपलसरी ना हो, वो ऑप्शनल आप कर दें, जिसका है वो भरे, जिसका नहीं है तब भी वो सबमिट हो जाए, तब तो चीजें ठीक हैं, अन्यथा हो नहीं पाएगा। कंचन देवी बहन प्रतापगढ़ से, उन्होंने भी अपने वहां से चीजें भेजी हैं। अनीता बहन राजस्थान से, अब देखो राजस्थान में क्या कहा जा रहा, राजस्थान में यहां पर कहा गया है कि पीटी अपडेट यानी पोषण ट्रैकर अपडेट का अलर्ट संस्करण 21.5 जिसको लेकर के बताया गया कि एमपिन रिसेट करना है। हमें आपको यह बताते हुए खुशी है कि एक नया अपडेट जारी है जो पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए एक नया और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस पेश करता है। कृपया ध्यान दें, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपडेट के बाद एमपिन जो भूल गए हैं या फॉरगेट एमपिन विधि का उपयोग करें, अपने एमपिन को रिसेट करना होगा, ये चीजें यहां पर बताई गई। तो यहां पर जिनका याद भी है सही डाल रही है फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ध्यान दें एमपिन रिसेट कैसे होगा, मैंने सब बता दिया आपको, कहां से कहां पर जाना और कैसे चीजें होंगी। ठीक, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ओटीपी आएगा, फिर एमपिन वगैरह आप अपना दर्ज कर पाएंगी। जब मोबाइल नंबर डालेंगी उसी नंबर पर जो है ओटीपी भी आता है, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन उसके बाद भी प्रोसेस आगे बढ़ता है तो लास्ट नेम वाली भी एक दिक्कत बनी रहती है, उसको लेकर के समस्याएं अभी हैं। रितु जी वाराणसी से हैं, उन्होंने अपने वहां से भेजा। नर्मदा जी जैसलमेर राजस्थान से आती, उन्होंने अपने वहां से जानकारियां भेजी हैं। कौशल्या जी आजमगढ़ से हैं, उन्होंने अपने वहां से इसी तरह की समस्या भेजी। शोभा बहन अंबेडकर नगर से हैं, उन्होंने कहा है डीएम सर के द्वारा सूची भी जारी की गई है आंगनबाड़ी की, 8:30 बजे कलेक्ट्रेट में आज बैठक है, वहां पर उपस्थित होना है, तो ये आज वहां पर होना था। पानकली जी श्रावस्ती से, इनके वहां पर लाभार्थी का पोषण ट्रैकर की वजह से जो है नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है कि अकाउंट से पैसे कट सकते हैं, इसको लेकर के चीजें हैं। तो देखो पैसे उसी के कटते हैं जिसके अंदर या तो लालच होता है, यानी जो भी साइबर ठग होते हैं वो लालच ही देते हैं लोगों को कि हम आपके खाते में पैसा भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम अधिकारी हैं, आपका नाम ये है, वो करके वो दे देते हैं, अन्यथा जो पढ़ा लिखा है वो मोबाइल से सारी चीजें शेयर नहीं करता, ये चीजें हैं। और लालच में जो नहीं होगा वो भी जान जाएगा कि हमारे खाते में कुछ नहीं आना, ये चीजें गलत हैं। रागिनी जी कन्नौज से हैं, उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजा, कन्नौज में भी पोस्टर ट्रैकर में अपडेट आया है, इस तरह से उनके वहां पर भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है लॉगिन के नीचे वाले यानी फॉरगेट पासवर्ड की ही बात कर रही है वो, उसमें मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद जो ओटीपी आएगा उसे डालना है, फिर अपना जो है नए में डालना होगा, इस तरह से, यानी ये सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। पोस्टर ट्रैकर खुल जाएगा तो आप लोग कोशिश करना, हो जाएगा। बाकी हमारी बहनें धरने का एक वीडियो सुबह हम दिखा चुके हैं, रात का, और बाकी अभी जो दिन में आएंगे वो भी दिखाए जाएंगे। इधर पूनम सक्सेना जी बदायूं से हैं, बदायूं की बहनों का भी प्रदर्शन तेज है। अखबार जागरण संवाददाता ने भी बहनों की समस्या को प्रमुखता से उठाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा प्रजातंत्र देश है, जहां की महिला धरने पर बैठी हैं, अधिकारी मिलने नहीं आ रहे हैं, मिथिलेश जी का कहना है। साथ ही डीपीओ ने प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ता पर कार्रवाई का पत्र भेजा है। ये सारी चीजों को लेकर जागरण ने प्रमुखता से चीजों को उठाया। मालवीय आवास गृह बदायूं पर प्रदर्शन करती बहनों की समस्याएं अब दिन ब दिन प्रदेश में जगह जगह जो है हाईलाइट हो रही है, चूंकि हमारी बहनें एक लंबे अरसे से प्रदर्शन कर रही हैं और अभी तक सत्ताधारी सरकार हमारी बहनों की समस्या पर वहां पर विचार नहीं
नहीं कर पाई है। तो मैं कहना चाहूंगा यहां पर सत्ताधारी सरकार से कि कृपया संज्ञान लिया जाए और हमारी इन बहनों का जो भी समस्या है उसका निराकरण जो है किया जाए। बाकी आगे ले चलते हैं, यहां पर प्रेमा जी हैं बहराइच से, उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी है। एजुकेटर भर्ती निरस्त करने को लेकर के यहां पर प्रदर्शन हुआ है, तो ये चीजें मैंने आपको अभी भी दिखाई, वो वहां पर जागरण ने निकाली थी। इधर पोषण ट्रैकर का राजस्थान से बहन ने सुनीता जी ने एक और ये जानकारी साथ भेजा था, पोषण ट्रैकर आंगनबाड़ी सेंटर इंफ्रा का जो है जानकारी पोषण ट्रैकर के उस पर दर्ज करने के लिए। ये फिलहाल अधिकारियों के स्तर से मुझे लगता है होना है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के स्तर से ये चीजें शायद ना होनी हो, तो ये चीजें वहां पर एक जानकारी स्वरूप और देखने को मिली। बाकी आगे ले चलते हैं, और भी आप लोगों को सूचनाएं फिर अगले वीडियो में हम लेकर के